अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सफलता की एक नई छलांग लगाई है। नासा ने मंगल ग्रह पर एक छोटे हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सफलता हासिल की है। इंजीनियरिटी नाम का ये ड्रोन हवा में एक मिनट से भी कम समय के लिए रहा, पर नासा इसे बड़ी कामयाबी मानता है। और ऐसा इसलिए कि ये किसी दूसरी दुनिया के एयरक्राफ्ट द्वारा संचालित और नियंत्रित पहली उड़ान थी। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अन्य ग्रह पर किसी एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी हो। नासा के अधिकारियों ने इसकी तुलना राइट ब्रदर्स के पहली बार 1903 में पहुंचने की तुलना की है। इसकी पुष्टि मंगल ग्रह के एक उपग्रह के जरिए भी, जिसने हेलीकॉप्टर के डेटा को पृथ्वी पर भेजा। नासा ने कहा कि रात करीब 3:30 बजे कार्बन फाइबर के ब्लेड घूमने लगे और इंजीन्यूटी नाम का हेलीकॉप्टर लाल ग्रह की सतह को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ान भरने लगा। करीब 10 फीट की ऊंचाई के बाद वापस ये लैंड कर गया और ये सब करीब 30 सेकंड तक होता रहा। इंजीन्यूटी नाम का ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह के उन स्थानों से आंकड़ों को लाने में सक्षम होगा जहां पर रोवर नहीं पहुंच सकता। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की पहली तारीख 11 अप्रैल तय हुई थी, लेकिन इसके बाद कई तकनीकी समस्याओं के कारण उड़ान रोकी जाती रही। इंजीन्यूटी की मंगल ग्रह पर उड़ान नासा की एक महत्वपूर्ण कामयाबी है। गौरतलब है कि इंजीन्यूटी ने फरवरी में पर्सिवरेंस पर मंगल के लिए उड़ान भरी थी। 8.5 करोड़ डॉलर की लागत वाले हेलीकॉप्टर के इस प्रयोग को अति जोखिम वाला और साथ ही अत्यंत उपलब्धि वाला भी माना जा रहा है। नासा ने एक वेब प्रसारण पर इसे सर्वश्रेष्ठ सपना करार दिया था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।